हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कुछ बहुत सारे भाइयों ने बोला था कि स्लोवेनिया का जो यूरोपीय यूनियन की जो कंट्री है, शेंजी जोन के अंदर जो ये कंट्री आती है, इसके ऊपर आप बनाएं, इसका जो वीज़ा रेशियो है ये बहुत ज़्यादा वीज़े लग रहे हैं, इसके ऊपर आप भाई हमें इंफॉर्मेशन दें। तो मैंने ये आपकी डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ, स्लोवेनिया का वर्क वीज़ा वो हम कैसे ले सकते हैं, स्लोवेनिया का वर्क परमिट हम कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या फीस है उसकी, उसमें जो सैलरी है वो यूरोपीय जो दूसरी कंट्री है शेंजेन जोन की, जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में क्यों ज़्यादा है, और इसका जो पासपोर्ट या पीआर हम कैसे ले सकते हैं, और इसका जो प्रोसेस है वो टाइमिंग क्या है, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DAhmed0490। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर ट्रैवलिंग के बारे में, मुख्तलिफ कंट्री के वीज़ाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करूँगा, आपको ट्रैवल करके भी दिखाऊंगा कि हम कैसे किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, और इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे, मुख्तलिफ जो प्लेसेस हैं उनके उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। तो स्लोवेनिया का जो वर्क परमिट है ना, वो हम कैसे ले सकते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो वर्क परमिट बहुत सारी कैटेगरीज में है, मैं आपको पहले चंद उनमें से बता देता हूँ, लेकिन है तो बहुत ज़्यादा कैटेगरी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्लोवेनिया के अंदर, यूरोपीय यूनियन की ये कंट्री है, ये एक ऐसी कंट्री है, इसका जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो आप 182 कंट्रीज़ में आप बिल्कुल वीज़ा फ्री जा सकते हो, बिल्कुल आसानी से आप जा सकते हो वहाँ पर। तो इसमें आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है किसी दूसरी कंट्री में जब आपने मूव होना है, तो 182 कंट्रीज़ हैं जिसमें आप वीज़ा फ्री बिल्कुल जा सकते हो। तो इसमें जो बात करते हैं, सबसे पहले इसमें जो सैलरी के पर बात करते हैं हम, सबसे पहले तो इसकी जो सैलरी है वो 12, एक नॉर्मल जैसे एक प्लम्बर या एक गार्ड की जो सैलरी है ना, नॉर्मल से नॉर्मल वो है 1200 यूरो, तो इससे ऊपर होती है, जबकि दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर 600 या इस तरह इससे स्टार्टिंग स्टार्ट शुरू होती है। अब पुर्तगाल में भी जानते हैं वहाँ पर 760 जो बेसिक सैलरी है, जो गवर्नमेंट की जो चल रही है वहाँ पर, इससे ऊपर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्लोवेनिया है यहाँ पर 1200 से स्टार्ट होती है, एक नॉर्मल प्लम्बर गार्ड की सैलरी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो उसमें आते हैं जो कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, इन पर सबसे पहले बात करते हैं हम। इसमें आते हैं IT स्पेशलिस्ट आपके आ जाते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर, नर्सेज आ जाती हैं, ड्राइवर्स आ जाते हैं, गार्ड्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिशियंस के आ जाते हैं, और कुक आ जाते हैं, शेफ़ आपके आ जाते हैं, ऑर्डर टेकर आपके आ जाते हैं, होटल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, होटल मैनेजमेंट में क्लीनर भी आ जाता है, होटल स्टाफ भी आ जाता है, इस तरह ना बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप अवेलेबल हैं, आपको किसी स्किल हो या ना हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर हम फीस की बात करें तो 77 यूरो है इसकी जो वीज़ा फ़ीस है, स्लोवेनिया के वर्क परमिट वीज़े की जो फ़ीस है वो 77 यूरो है। इसके साथ आपको 15 यूरो और ऐड करनी पड़ती है, जो देनी पड़ती है आपको जब आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, तो वो एडवांस में आपसे ले लेते हैं, तो वो 15 यूरो मिला के 77 ये बन जाती है, लगभग 92 यूरो, सम कैटेगरीज में ये ले लेते हैं, सम में नहीं लेते, 77 यूरो ही इसकी वीज़ा फ़ीस है जिसे हम कहते हैं। तो इसकी जो PR है वो हमें 5 साल में मिल जाती है, PR लेने के बाद लगभग चंद माह का प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें ये मिल जाता है पासपोर्ट स्लोवेनिया का, ठीक है। तो लेने के बाद अगर हम किसी दूसरी कंट्री में भी मूव होना चाहें तो हम हो सकते हैं, पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही हैं, तो क्या हालात चल रहे हैं। तो अगर इंडियन भाई या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी भाई अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये गोल्डन चांस है, तो आपने ये अप्लाई ज़रूर करना है। इसकी वीज़ा रेशियो इतनी ज़्यादा है ना कि हमने अप्लाई किया था, 3 लड़कों का किया था, तीनों का ही वीज़ा लग गया, और हमें जो रिस्पॉन्स आया वो 3 दिन के अंदर आ गया। तो जो इसका 3 दिन के अंदर उसका जो हमें जो चाहिए था ना जॉब लेटर, वो हमें 3 दिन के अंदर से 3 दिन में हमें मिल गया, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसकी जो आपको मैं बता दी, तो इसकी अगर हम बात की जाए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो उस पर सबसे पहले हमें चाहिए वैलिड पासपोर्ट, ठीक है। फर्ज करें आप 1 साल का अप्लाई वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपके लिए आपकी कोशिश करें आपका 2 साल से ज़्यादा आपका जो पासपोर्ट की वैलिडिटी हो वो हो, ठीक है। नंबर 2 पर आपकी जो CV आपने जो जब आपने बनानी है वो आपने यूरोपीय यूनियन के हिसाब से बनानी है,
अगर आपको पता नहीं है कि यूरोपीय यूनियन सीवी कैसे बनाते हैं, आपने सिंपल आपने गूगल में जाना है या वहाँ पर लिखना है सीवी यूरोपीय यूनियन सैंपल, तो इस तरह कुछ लिखेंगे तो आपको वो मुख्तलि सीवीज बनी हुई आपको मिल जाएंगी। आपने उसके वर्ड्स को उठा लेना है उनके, क्योंकि वो वर्ड्स एक ऐसे हैं, क्योंकि हमारी जो सीवी है वो हुमैन नहीं पढ़ता, वो उन्होंने अपना एक उनका एक ऐप होता है, उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, वो जिसके अंदर ये वर्ड्स आते हैं वो चूज़ कर लेता है, उसको नेक्स्ट स्टेप पर भेज देता है। इस तरह हमारी जो वीज़ा लगने की चांसेस हैं वो और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने वो ज़रूर उस तरह करना है। जब आपके पास जो हम वहाँ से आपको नंबर 3 पर जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको जॉब इन्विटेशन लेटर चाहिए, जो आपको जो एम्प्लॉयर आपको देगा स्लोवेनिया से। ठीक है, वो हो गया। नंबर 4 पर आपको चाहिए 2 to 4, आपको 2 से 4 आपको पिक्चर्स चाहिए जो आपकी फ़ोटो हों, ब्लू बैकग्राउंड से हों तो ज़्यादा अच्छा, वाइट भी हो तो चलेगा। तो इसके बाद आपको जो नंबर 5 पर जो चीज़ चाहिए वो PCC होता है। PCC क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जिस कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ का आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ये अपने लगभग दिखाना होता है कि मेरे ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है, तो ये इसलिए होता है। ठीक है, PCC आपने ले लेना है। उसके बाद नंबर 6 पर जो आती है चीज़, वो हम मोस्टली हम लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा वीज़ा नहीं लगता, वीज़ा हमारा रिफ्यूज़ हो जाता है, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। जो हमने ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेनी है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी की होनी चाहिए। मेरा आपको एक टिप बताता हूँ कि जो आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 30,000 यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए। इससे ये होगा कि जो आपकी वीज़ा लगने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो स्लोवेनिया के अंदर वर्कर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो वीज़ा बहुत तेज़ी से धड़ाधड़ मिल रहे हैं, तो आपने कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो अपने साथ में उसका लेटर ले लेना है, ऐड कर लेना है। कोई आपके पास स्किल है तो उसका भी अपने पास लेटर ले लेना है और आपने वो ऐड कर देना है जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। ठीक है, जब अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में भी इसकी एम्बेसी है, कराची में भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, अगर आपको आप किसी दूसरी दूर सिटी में रहते हो, पास नहीं रहते एम्बेसी के, तो अपने VFS एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ये VFS ग्लोबल है, तो आपने वहाँ पर जाकर अपना अप्लाई कर देना। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपने देखनी है ना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको सिर्फ बिल्कुल जेन्युइन चीज़ बताऊँगा, किसी दूसरे की तरह आपको नहीं बताऊँगा कि ये चीज़ ऐसे ऐसे ऐसे। मेरे को आपसे कोई जिस तरह वो फीस जो मुख्तलिफ कंसल्टेंट जो आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं, इसमें कोई फीस चार्ज नहीं है। तो आपने ये वीडियो ज़रूर देख लेनी है पूरी और अच्छे तरीके से समझ लेनी है, आप अप्लाई करना। ठीक है, अब आपके सवाल में आपके दिमाग में अभी एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अहमद भाई, आपने तो सब बता दिया, प्रोसेस भी बता दिया कि 15 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए, फीस भी बता दी, और आपको कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं वो भी बता दी, और इसके अलावा भी आपको बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कैसे अप्लाई करना है। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है, आपने जॉब कैसे फाइंड करनी है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने उन लिंक पर जाना है और क्लिक करना है। आपने अपने लिए जॉब अच्छी तलाश कर लेनी है और उनको CV भेज के आपने अपना इनविटेशन लेटर लेना है, लेने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपने मैंने अगर वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हो मुझे मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, आप मुझसे पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ। तो बस आज की वीडियो इतनी, तब तक के लिए अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।